शांति। आज 17 मई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापिस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेघर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, क्या आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? सभी ने कहा आत्मा। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती हैं, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह हो जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें ही दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर देवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मूंछते हो तो पूछ सकते हो, यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे परंतु बुद्धि में है, यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं, मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं, बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं, म्यूजियम खोलो भपके से तो मनुष्यों को भपका खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो और देवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले, तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया भी बेगर सही, इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी न हो, कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर, इसमें पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है,
तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं, हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक हैं, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर, भल यह लोन लिया हुआ शरीर है परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं, यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है, यह तो जरूर है। जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा, मकान मालिक देखेगा। राजा मकान लेते हैं तो 1,000 किराए का 4,000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो शास्ती लेते हो, नहीं, उनको पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज़ पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आँख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजा साथ में पैसे ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसे दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खंजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खंजांची है। यह तो ट्रस्टी है, बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। यह ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना न समझे, हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापिस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है, समझते हो। बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापिस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है, इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है, बड़े बड़े राजाए जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं, दान किसको करेंगे, गरीब तो वहाँ होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतिन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए।
अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता, गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे, हाँ गरीब को दान देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं, बोलो क्या यह भूल गए हो, गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाए पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही है, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई, पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पार्ट एक ही बार चलता है, खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो ज़रूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या, कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो, यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज है, इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एजर डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र, छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो, पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या, उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता है, सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछे दुनिया में लौटना नहीं है, भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी, दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे, हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे, वह तो है ही शांति धाम सुख धाम, वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबर वार तो होते ही हैं, यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है, गीता की तो अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवद गीता है,
शुरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता हे ही एक भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई है। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाड़ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के सिखलते रूहानी मात पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरी पॉइंट है अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का वरदान है सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मनी भव। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मनी भव। विश्लेषण है ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो है जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनिया है जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। आज का स्लोगन है नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।